हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की कलौंजी। तो भिंडी की कलौंजी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है, इसको मैंने साफ पानी से वॉश कर लिया। प्याज छोटी साइज की, दो टमाटर छोटे साइज के, 15 से 20 लहसुन की कलियां, लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच, ये मैंने लिया है मेथी, सौंफ, कलौंजी और छोटी सरसों, नमक स्वाद अनुसार। अब हम भिंडी को मीडियम साइज में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे भिंडी को कट कर लिया है। अब हम इसमें बीच से चीरा लगाएंगे ताकि हम इसमें अपने मसाले फिल कर सकें। ये देखिए मैंने सारे भिंडी के पीसेस को बीच से भी कट कर लिए हैं। अब हम तवे पे अपने मेथी, सौंफ, कलौंजी और छोटी सरसों को हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए जब ये हमारे ऊपर आने लगे समझ जाइए कि आपके भून गए हैं। इसको हमें बर्तन में निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे और साथ में ही ये लहसुन की कलियां भी हम इसमें डाल के पीस लेंगे और इसी के साथ हम अपने टमाटर भी पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इन तीनों को अलग अलग भी पीस सकते हैं। ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें अपने पीसे हुए मसाले ऐड करेंगे, साथ ही में थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और अब हम इसमें अपने नमक भी ऐड कर देंगे, लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे और अब इसे हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए ढक्कन से ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे भूनने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अब हम अपने भुने हुए मसाले एक एक करके सारी भिंडी में फिल कर देंगे। ये देखिए सारी भिंडी को मैंने फिल कर ली है। अब हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये वही पानी है जिसमें मसाले थे, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, लगभग आधा का पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम ढक के लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये भिंडी हमारी हो चुकी है। ये देखिए भिंडी हमारी अच्छे से गल भी गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी भिंडी की कलौंजी बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।